Hello friends, welcome to my channel Investorholic. I am your host Sudhanshu Singh. पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि NSE BSE क्या हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं या फिर क्या रिलेशनशिप है और हम उनके साथ क्या क्या काम कर सकते हैं. सेकेंड वीडियो में हमने एक स्ट्रक्चर ऑफ डीमैट अकाउंट पूरा समझा था जिसके वजह से आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन अ प्रॉपर मैनर. आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं या फिर कुछ रूल्स देने वाला हूं जिन्हें आप फॉलो करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे. देखिए, नॉर्मल रिटेल क्लाइंट कहां फंस जाता है? नॉर्मल रिटेल क्लाइंट हमेशा वहां फंस जाता है जहां पर उसे रूल्स नहीं पता या वो टिप्स या एडवाइजेस पे काम करने लगता है और मार्केट उन्हें रेस्पेक्ट नहीं देता जिसकी वजह से लॉसेस हो जाते हैं. तो हमें सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है कि नेवर बाय अ स्टॉक विद अ डीटीवी ऑफ लेस देन 2 लाख ऑन डेली बेसिस. इसका मतलब यह है कि आप अपना पैसा किसी भी ऐसे स्टॉक में नहीं लगाएंगे जिसमें रोज 2 लाख शेयर से कम बाय सेल होते हों. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है. दिस स्टॉक लैक्स लिक्विडिटी. और जिसमें लिक्विडिटी नहीं है उस स्टॉक में पैसा लगाना गलत है क्योंकि कल को आप खरीदने जाएं तो आपको सेलर नहीं मिलेगा, बेचने जाएंगे तो बायर नहीं मिलेगा. उस केस में आपका पैसा फंस जाएगा. आपको कई ऐसी एडवाइजेज SMS पे आती होंगी तो आप बिल्कुल भी उस स्टॉक को बाय ना करें और उसे इग्नोर कर दें उस SMS को. आपको यह बहुत ध्यान देना है कि कल को आप खरीदने जाएं तो सेलर मिले और बेचने जाएं तो बायर मिले. तो कभी भी किसी भी ऐसे स्टॉक में पैसा ना लगाइए जिसमें डेली ट्रेडेड वॉल्यूम 2 लाख से नीचे है. दूसरा, मैं हमेशा बोलता रहूंगा और बोलता था, नेवर बाय ऑन टिप्स गिवन ऑन मीडिया. अ न्यूज इन मीडिया इज अ बैड न्यूज. मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो न्यूज आपके सामने मीडिया अभी दे रहा है वो ऑलरेडी पहले बन चुकी है और किसी ना किसी लेवल पे लोगों को पता है, तो वो एक्शन उस न्यूज पे ऑलरेडी ले चुके हैं. यानी स्टॉक या तो ऑलरेडी बाय हो चुका होगा या ऑलरेडी सेल ऑफ हो चुका होगा. आप बैलेंस ट्रेंड के लिए स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं. ये आमतौर पे आपके साथ होता ही होगा कि न्यूज आने के बाद आप बाय करते हो या सेल करते हो. अगर अच्छी न्यूज है तो आप बाय करते हैं, बुरी न्यूज है तो आप सेल करते हैं. लेकिन बाजार उसका रिवर्स हो जाता है क्योंकि लोग ऑलरेडी जिन्हें नॉलेज है वो उस पर एक्शन ले चुके हैं. तो मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे यहां लिखा हुआ है, ऑलवेज बाय ऑन र्यूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, या फिर इसका रिवर्स, जब भी वो चीज आपके सामने र्यूमर है तो आप उस पर एक्शन ले लीजिए क्योंकि र्यूमर है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हो रही है. और जब वो न्यूज बन के आपके सामने आएगी तो उस पर ऑलरेडी एक्शन हो चुका है. तब आप एक्शन लेने जाएंगे तो वो उसका रिवर्स कर देगा क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूज फैक्टर्ड है प्राइजेस में. आगे, चेक द डिलीवरी ऑफ द स्टॉक ऑन डेली बेसिस. जिस स्टॉक को आप बाय करने की सोच रहे हैं उसकी डिलीवरी मॉनिटर कीजिए रेगुलर बेसिस पे कि रोज कितने स्टॉक्स डिलीवरी में जाते हैं. डिलीवरी से मेरा मतलब यह है कि कितने स्टॉक लोग उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में इंटरेस्टेड है. स्टॉक आज खरीदा और आज ही बेच दिया. इसमें किसी भी इन्वेस्टर का कमिटमेंट नहीं दिखाई देता कि वो उस स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्टेड है. स्टॉक वो खरीदिए जिसे लोगों ने खरीदा और उसे डिलीवरी ले ली और उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने या रखने के लिए अपने पास इंटरेस्टेड हो, तब है वो प्रॉपर बाय. दूसरा, ऑलवेज मूव अलोंग विद द मार्केट. देखिए, कई लोग कहते हैं मार्केट के अगेंस्ट जाओ, बुल हो रहा है तो बेयर मारो, बेयर है तो बुल खड़ी करो. ऐसा कुछ नहीं है. मार्केट का लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ट्रेंड देखिए और उसके साथ चलिए. बाजार कहीं ना कहीं उसे रेस्पेक्ट करेगा और हर चीज उसी हिसाब से चलेगी. आगे, लुक फॉर कंपनी इंफॉर्मेशन एंड एनी अनाउंसमेंट्स. देखिए, इसका क्या मतलब है? अगर वो न्यूज है तो कंपनी के डायरेक्टर्स, अकाउंटेंट्स, किसी ना किसी लेवल पे वो न्यूज पता होगी तो वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन डाइल्यूट होती है, पता होती है. अब अगर अनाउंसमेंट आ रही है कि कोई डायरेक्टर अपनी ही कंपनी के शेयर्स बायबैक कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस कंपनी में आने वाले समय में कोई अच्छी न्यूज है जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस राइज करेंगे और वो उसका बेनिफिट लेना चाहता है.
और कोई डायरेक्टर अगर अपनी कंपनी के शेयर सेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे यह पता लग रहा है कि भाई मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, आई शुड गेट आउट। कंपनी इंफॉर्मेशन और कंपनी अनाउंसमेंट्स आपको एनएससी की साइट पे बहुत नॉर्मली मिल जाते हैं। जैसे आपके सामने ये एमआरएफ का शेयर लिस्टेड है, आप इसके बॉटम में आइए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको उसके बारे में सारे मिल जाएंगे। दिस इज फ्यूचर, इसलिए नहीं मिल रहा, हम इसका शेयर लगाते हैं तो इक्विटी एमआरएफ ही लगाते हैं, तो एमआरएफ लिमिटेड का हमने शेयर लगाया आपके सामने। देखिए ये कंपनी इंफॉर्मेशन पूरा गिवन है, इस पर आप क्लिक करेंगे इस टैब पे तो आप देख सकते हैं कंपनी के अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स, ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये सब कुछ आ रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड्स, आप इन सबको स्टडी कीजिए। इनमें देखिए आपको कंपनी का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा, जैसे फाइनेंशियल टू अप्रूव ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको अंदाज़ा देंगी कि भाई ओवरऑल इस शेयर में आने वाले समय में क्या होने वाला है। एमआरएफ लिमिटेड हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी डीमेटरलाइज फॉर द क्वार्टर, यानी लोगों ने और सिक्योरिटीज डीमैट करवाई हैं। इन सब चीज़ों से आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि शेयर बाय है या सेल है। डिविडेंड देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 54 रुपीज पर शेयर। ये दिखा रहा है कि कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस कर रही है दैट मींस कंपनी इज प्रॉफिटेबल, और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसे बाय करना बनता है, तो आपको ये सब अनाउंसमेंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। आगे आपको अपनी इकोनॉमी और उसमें होने वाले इवेंट्स पे नजर रखना चाहिए, लाइक बजट, इलेक्शंस, उस समय आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए। छोटी छोटी बजटरी अनाउंसमेंट्स या मूवमेंट्स को आप बहुत ज़्यादा कंसिडर ना करें या एकदम पैनिक ना करें, लेकिन आप अपने हर प्रोडक्ट का एक डिफाइंड स्टॉप लॉस रखें और अकॉर्डिंगली मार्केट में उसे मूव करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेट ऑन द स्क्रीन टू कट लॉसेस, प्रॉफिट विल फॉलो। ट्रेड लेने से पहले आप अपने ट्रेड का एक स्टॉप लॉस रखिए। मार्केट में सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करती है वो चीज है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ स्टॉक बायर। आप उसका अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक स्टॉप लॉस रखिए, दैट मीन्स प्राइसेस उससे नीचे आ जाए तो आप उस लॉस को बुक करके निकल जाइए। अगर उससे नीचे नहीं आ रहे हैं तो लेट वॉलेटिलिटी प्ले इट्स रोल, आप घबराइए मत, आप डरिए मत, और स्टॉक को होल्ड करिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर प्राइसेस उस स्टॉप लॉस के नीचे आ जाए तो आप अपना लॉस बुक करके ट्रेड से बाहर हो जाइए, एग्जिट कर जाइए उस स्टॉक से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी भी लेवल पे पैनिक मत कीजिए, आप अनहेरेंट वॉलेटिलिटी को अपने ऊपर मत आने दीजिए। देखिए आमतौर पे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लॉस प्रॉफिट्स लेते हैं और बड़े बड़े लॉसेस। अगर आपने लॉस बुक नहीं किया तो क्या इसका मतलब लॉस नहीं हुआ? बिल्कुल वो लॉस है। अगर लोग यही सोचते रहेंगे तो लॉस होता रहेगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन किसी समय 650 रुपए का शेयर हुआ करता था, आज 150 रुपए का शेयर है। जेपी इंफ्रा किसी समय 200 रुपए का शेयर हुआ करता था, आज 2 रुपए का शेयर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखिए, अ ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस ऑन द स्क्रीन इज लाइक सुसाइड। स्टॉप लॉस होना स्क्रीन पे मैंडेटरी है। आपके हर ट्रेड का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको लॉस बुक करके बाहर निकलना ट्रेड से सीखना होगा। आपके लॉसेस छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट बढ़े। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्क्रीन कभी भी आपको रिवॉर्ड नहीं करेगी। अगर आप ये सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहता कि आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, लेकिन डेफिनेटली लॉस नहीं होगा, ये बात मैं कह सकता हूं। चांसेस ऑफ लॉस विल बी नेग्लिजिबल। प्रॉफिट आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करेगा। बाजार या फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उनका आंसर जरूर करूंगा आपके लिए। और अगर आप फर्दर मुझसे कोई डिटेल चाहते हैं तो मेरा ये ईमेल मैंने अभी अभी आपके लिए टाइप किया है, इस ईमेल पे आप मुझे अपनी क्वेरी सेंड भी कर सकते हैं। ये मेरी ऑफिशियल साइट है, आप इस पे
लॉगिन करके सारी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, और अगर इससे अलग भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पर। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी कंफ्यूजन देता है तो प्लीज उसके बारे में पूछिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो मैं करूंगा कि आपको क्या गलतियां स्टॉक मार्केट में नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे अपने डीमैट अकाउंट में, जिसकी वजह से आपके स्टॉक्स ब्रोकर या फिर एक्सचेंज के पास फंस जाते हैं, आपके केसेस ना बिगड़े, आपको अननेसेसरी अनड्यू लॉसेस ब्रोकर की गलतियों की वजह से ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट सुधांशु सिंह। थैंक यू।